हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज की जो वीडियो है ये अंदर वो पैशन है, वक्त पैच बनाया वर्क था से। ये। सी ये मैंने एज अ मैट, एज अ माई स्विंग मशीन के जो नीचे मैट रखते हैं उस पर्पस के लिए बनाया था। बट वो इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया। उसके नीचे हमेशा मैं इसको एज अ डेकोरेटिव पीस अपने स्विंग टेबल पर रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इसको देखते रहना। तो आज मैं ये आपको बताऊंगी ये कटिंग कैसे करनी है, इस पर प्लेसमेंट कैसे करनी है, एंड देन इस पर कौन सा स्टिच करना है। ये मेरी मशीन से मैंने किया और आपको आज मशीन से ही बताऊंगी। इसे इजीली हैंड से भी कर सकते हैं, बट हैंड में वही है कि आपको टाइम लगेगा एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप हैंड से कर रहे हैं। आज मैं इसको मशीन से बताऊंगी और दूसरी वीडियो जो मैं लेके आऊंगी पैच वर्क रिलेटेड, उसमें कोशिश करूंगी कि मैं इसको हाथ से बताऊं, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत नीट एंड फाइन इसमें काम करना पड़ता है। ये मशीन का है, मशीन में भी नीट एंड फाइन वर्क करना पड़ेगा आपको, तभी कोई चीज़ अच्छी बनती है। बट मशीन से आप ये हो जाते हैं फ्री कि स्टिचेस ऊपर नीचे नहीं होंगे, एक ही साइज का स्टिच आएगा हर एक बार जब भी आप स्टिच करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। मैंने ये बनाया है इस वीडियो में, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। सी और इसके अंदर ही मैंने एक एक और स्टिच इसके साथ मैंने लगाया है। इसे बोलते हैं ब्लैंकेट स्टिच, ब्लैंकेट स्टिच ये वाला स्टिच होता है। सी ये देखिए ये वाला ब्लैंकेट स्टिच, और ये वाला है जिगजैग सैटिन स्टिच जो इसके मैंने फर फर के लिए बनाया है। ये दोनों ही मैंने यूज़ करे हैं, तो आप देखिएगा वीडियो और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। और कोशिश करिए आप ये जो लॉकडाउन चल रहा है इस लॉकडाउन में बहुत चीज़ें सीखें और अपने घर को बहुत 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 डेकोरेट करें। सबसे पहले तो आपको वो मेन फैब्रिक लेने हैं जिसके ऊपर आपको ये प्लेस करना है, और साथ में मैंने ये जो अपने पुराने कटे हुए कपड़े रखे थे वो लेने हैं। साथ में हमें एक डिज़ाइन चाहिए जो आपको इस पे बनाना है। तो मैंने जैसे इसमें सिलेक्ट किया है ये वाला डिज़ाइन एक बर्ड का। मैंने इसके लिए एक बुकरम लिया है, बुकरम का पीस जो पेस्टिंग वाला होता है, जिसको प्रेस करते हैं वो चिपक जाता है दूसरी तरफ से। तो मैंने इसको हाफ कर लिया एंड देन मैं इस पर डिज़ाइन बनाऊंगी जो मुझे बनाना है। सो मैंने अब ये डिज़ाइन इस पर बना लूँगी मैं। सो गाइस, ये मेरी चिड़िया है, ये मैंने बनाया है और इसके अंदर मैंने नंबर्स डाल दिए जिससे कि मैं इजीली इसको कट करके अपने पास रख सकूँ। अब मैं इन सबको कट कर लूँगी, एक एक पार्ट को बिल्कुल अलग अलग ही कट करना है। देखिए इसके पैर तक मैंने काटे हैं छोटे छोटे। तो अब हमने इसको काट लिया, अब हमको जो फैब्रिक्स हैं हमारे उस पे हमें ये प्लेस करना है। जिस कलर का जो फैब्रिक हमें चाहिए उस कलर पे हमको जो कटिंग थी उसको सीधा रख के उस पर प्रेस चला देनी है, तो उससे वो चिपक जाएगा। देखिए मैंने भी इसको ऐसे ही किया है, बहुत इजी है ये, तो बहुत इजी है। अब उसकी कटिंग करनी है। सी इसके अंदर मैंने जो कटिंग पार्ट लिया है वो मैंने बिल्कुल नहीं काटा, सारा नहीं काटा, इसके अंदर 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 इतना आपको इसके अंदर सीम अलाउंस लेना है। हम सीम अलाउंस लगाते हैं हमें सिलाई के लिए, बट हम इसको टर्न करना है। सी अब मैं इसको काट लूँगी और काट के देखिए मैंने अब इसको काट लिया है।
अब जब काट के जो मेरे पास मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे। जो कर्व साइड है उसको अच्छे से आपको कट करना है, साइड से नॉचेस देने हैं, फैब्रिक ग्लू लेना है, उसको पीछे उसके रफ एज पे, रफ पार्ट पे, रॉन्ग साइड पे उसको चिपका देना, जैसे मैंने चिपकाया है। आपको पूरा चिपकाना है, मैं भी पूरा चिपकाऊंगी, जिससे कि जो रॉ एजेस हैं वो नहीं दिखेंगे आपको। सारा ही ऐसे करना है और बाकी को भी हमें ऐसे ही करके रखना है। सी देखिए मेरे पास सारे आ गए हैं, मैंने काट के इनको अच्छे से इनका जो रॉ था एज वो मैंने टर्न कर दिया है पीछे। सी ये सारे ऐसे आ गए हैं, सारे ऐसे जैसे हमने कटिंग करी थी वैसे ही निकले हैं। चलिए अब हम इसको एक बार प्लेस करके देख लेते हैं कि जैसे हमने कटिंग करी थी, जैसे हमने सोचा था, वैसे सब आए हैं कि नहीं आए हैं। सबसे इजी तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप प्लेस करके उसको देख भी सकते हैं। अभी ना मैंने इस पर कच्चा टाका भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। सी सब कुछ ठीक है, जब हम श्योर हो जाएं तभी हम अपना जो बेस कपड़ा है, फैब्रिक है, हमें वो लेना है। उसके ऊपर हमें जिस तरीके से हमने इसको प्लेस करके देखा था तो उसी तरीके से अब हम उस पर इसको थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू से इसको टैक कर देंगे। टैक इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सिलाई करते वक्त हम जो स्टिचेस पे देंगे उस वजह से वो हिले नहीं, अपनी जगह पे रहे। सो मैंने इस पर लगा दिया है फैब्रिक ग्लू और मैंने इसको पेस्ट कर दिया है अपने मेन फैब्रिक पे, जिस पे मुझे ये पैच चाहिए। सी अब ऐसे करके मैं एक एक जो इसका पार्ट है बर्ड का वो सारा मैं इस पे धीरे धीरे करके चिपका दूंगी। अगर थोड़ा सा भी आप लगाएंगे तो इट्स इनफ, बस उसको टैक करके रखना पड़ेगा ताकि वो हिले नहीं। और आपका जो छोटा छोटा जिसमें सामान होता है वो कहीं और गुम ना हो जाए। सो सी इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इसका बेस अच्छे से। सबसे पहले नीचे का बेस होता है, उसके ऊपर फोम रखी मैंने, एक छोटा पार्टी लिया, उसके ऊपर आपको मेन फैब्रिक रखना है। एक्चुअली मैंने इसलिए ये किया है, आप बिना उसके भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा गफी होगा तो उसका लुक और ऊपर बाहर उभर के आएगा। फोम लगा के थोड़ा सा गफी हो जाएगा तो और उभर के आएगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, अपनी मैंने मशीन स्टार्ट करी है और हम लोग को ज़िगज़ैग भी लेना है और बटन स्टिच भी, जो ब्लैंकेट स्टिच है वो भी लेना है। सी ये ब्लैंकेट स्टिच होता है, ये भी ब्लैंकेट स्टिच होता है, ये भी ब्लैंकेट स्टिच होता है। अब हम लोग इसमें ज़िगज़ैग भी करके देख लेंगे। ज़िगज़ैग इधर है मेरी मशीन में, सी आप बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट सैटिन स्टिच होता है बिल्कुल पास पास। लेट चेक कि ये ज़िगज़ैग जो मैं कर रही हूँ ये चलेगा इस पर या नहीं चलेगा। तो पहले हम सबसे पहले एक बार स्टिच करके देख लेते हैं कि कैसा है मेन पे जाने से पहले। अब हम चलिए ब्लैंकेट स्टिच पे जाते हैं क्योंकि हमें मेन ब्लैंकेट स्टिच ही करना है। तो लेट्स सी कैसे होगा, उसका लुक कैसे आएगा। देखिए ब्लैंकेट स्टिच इस तरीके से होता है, बहुत डिफरेंस है दोनों में, बहुत डिफरेंस। हम लोग ब्लैंकेट स्टिचेस का ही इस्तेमाल करेंगे इसको प्लेसमेंट के लिए, इसका प्लेस करने के लिए, इसको स्टिच करने के लिए पैच को पूरा। तो ये जो मैंने सैंडविच बनाया है, नहीं खाने वाला नहीं, ये वाला जो इसको सैंडविच बना के बीच में फोम लगा के मैंने कपड़े का जो बनाया है, अब इसके ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका चिपक ही गया है इस पर, बट इसको स्टिच भी करना है। तो हमने पहले ब्लैंकेट स्टिच से स्टार्ट किया धीरे धीरे, मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड किया है जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो वीडियो का
और मेन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आ जाएं और मैं समझा पाऊँ। तो ये पूरा ब्लैंकेट स्टिच मैंने कर दिया। ये इस तरीके से इसका आया है ब्लैंकेट स्टिच। मैंने जानबूझ के ये नीचे किया है कि आपको स्टिच का पता चले, क्योंकि ब्लू पे ब्लू दिखेगा नहीं। सी कि ये इस तरीके से पूरा उसको कवर करता हुआ, एजेस को कवर करता हुआ ये अंदर की तरफ आएगा। तो मैंने पूरे बर्ड पे कर दिया, इसकी पीक पे भी कर दिया मैंने यही स्टिच सेम। जो इसका फर होगा उस पे मैं दूसरा स्टिच करूँगी, सैटिन स्टिच। सी मैंने ये कर दिया सैटिन स्टिच, मैंने पूरी कर दी है कंप्लीट करके। तो इसके लिए जो मैंने यूज़ किया वो ब्लैंकेट और सैटिन किया। अब हमें जो ये हमने जो इसका सैंडविच बनाया था फोम के लिए, तो उसको कट करके इक्वल साइड से हम उसको स्टिच कर देंगे। अब ये जो पार्ट है, ये जो आपका पूरा बना हुआ है, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अपने कुशन में बनाइए या इसको क्विल्टिंग कर लीजिए, उसके अंदर ही अंदर आप फ्री हैंड जानते हैं तो, या इस पर उसको बैक पे लगाइए, इसको कुशन्स कवर बनाइए, इससे इसके साथ और मैचिंग मिक्स एंड मैच करके ऐसे ही पैचेस बना के आप अपना पूरा क्विल्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं जो इसके साथ आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।